दर्शकों, आप देख रहे हैं पदैनी मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर गुरुवार को डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग गीत संगीत तथा नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही के केशव हाल सभागार में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह और विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर तथा समन्वयक एके वर्मा ने मां सरस्वती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर तथा पुष्प अर्पण कर साथ हुआ गणेश वंदना और गुरु वंदना कर सभी गुरुजनों का सम्मान भी किया गया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के निदेशक व पूर्व कुलपति जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय प्रोफेसर कल्पलता पांडे, प्रोफेसर प्रो आर एन शर्मा तथा डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने माँ सरस्वती तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महाविद्यालय की छात्राओं ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया। हर वर्ष की भांति इस साल भी भदैनी स्थित लोलार कुंड में स्नान के लिए 9 सितंबर को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसी क्रम में गुरुवार को डीसीपी काशी जोन ने 80 स्थित एक होटल में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके बाद उन्होंने पूरे मेले क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया। कुंड का जो मेला जहाँ यहाँ बेलूपुर है जो हर वर्ष की तरह लगता है, इसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं जो यहाँ पे कुंड में स्नान करते हैं। इसी को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन की बैठक हुई है और जो भी इसमें तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया है। क्या निर्देश दिए गए हैं सर, जो मार्ग हैं वो किस तरह इस बार रहेंगे, क्या कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं? अभी तक जो आया है कि इसमें क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो बैरिकेडिंग और जो भी यहाँ पे रस्से लगा करके जो हम लोग यहाँ पे बैनर्स देंगे वो सब स्पष्ट रूप से पब्लिक को पता रहे और इसमें सैनिटेशन को लेकर के स्पेशल ध्यान दिया जाएगा कि कहीं भी कोई किसी तरीके की गंदगी ना हो और असुविधा ना हो जो दर्शनार्थी आएंगे। कितने रास्तों से कुंड में प्रवेश कराया जाएगा सर? कुंड में अभी मुख्यतः एक ही रास्ता है जिससे प्रवेश हो रहा है और अन्य एक रास्ता और दिया गया है जो ऑप्शनल रहेगा, अगर संख्या बढ़ेगी तो उससे भी प्रवेश करवाया जाएगा। सुरक्षा में कितने पुलिस बल लगाए जा रहे हैं? यहाँ पे PAC, NDRF और जल पुलिस और स्थानीय पुलिस, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रहेगी और सभी तैयारियां पूरी हैं और इसको अच्छे से कराया जाएगा। भूकंप आपदा पर जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधक योजना के तहत कार्यवाहक कमांडमेंट अमित कुमार सिंह के निर्देशन में 11 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने BHU के ट्रामा सेंटर में भूकंप आपदा पर संयुक्त मॉक अभ्यास किया। इस मॉक अभ्यास में ट्रामा सेंटर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की इमारतों का एक हिस्सा भूकंप के कारण ढह रह गया था जिसमें 5 लोग फंसे होने की आशंका थी। इसके परिणाम स्वरूप आपात केंद्र प्रतिक्रिया केंद्र की घटनाओं के बारे में सूचित किया गया। नमस्कार जी, मैं हम लोग NDRF की तरफ से हैं। हमारे यहाँ DIG मनोज कुमार शर्मा है। जैसे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, पूरे 44 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश है, 50 डिस्ट्रिक्ट MP है। इसके अतिरिक्त हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहते हैं, स्टेक होल्डर्स का कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में बच्चों को जाके ट्रेन करते रहते हैं। इसी के तहत आज डेमो साइट हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं BHU में, जिसमें मल्टी कैजुअल्टी ऑपरेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कैरी आउट करते हैं उसी का डेमो है। जैसे हम लोग कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू दिखा रहे हैं, कैसे उसमें ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, टेक्निकल सर्च करते हैं, मैनुअल सर्च करते हैं, विक्टिम कैसे रिट्रीव करते हैं। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग में विक्टिम्स को कैसे हम लोग निकाल के लाते हैं, ये हम डेमोस्ट्रेशन कैरी आउट करते हैं। मुझे भी लगता है सचेत करना, अवेयरनेस करना और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेन करना।
तो ये थी आज बनारस की 5 प्रमुख खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त अन्य 5 खबरों के साथ।